आप बिल्कुल अगर ये विस्की पीते हैं तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल पीजिए, जो आपको पसंद करे, आपको दिल को पसंद करे वो पीजिए। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू छेगा। और आफ्टर रॉयल चैलेंज हम एक और बजट फ्रेंडली विस्की का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एक इंडियन विस्की है जिसका नाम है रॉयल स्टैग। सो अनदर काफ़ी फेमस, काफ़ी यू नो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है ये विस्की और लोग इसे पीना प्रेफर करते हैं। अब आप, आई एम सॉरी गाइस, बट अगेन आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं क्यों क्वार्टर लेकर आया हूँ, छोटा सा 180 ml की बॉटल क्यों लाया हूँ, पूरी बॉटल क्यों नहीं लाया हूँ जो यूजुअली लाता हूँ। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस यू नो ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ रॉयल चैलेंज, बट अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट दारू, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट विस्की। मैं ये विस्की पीना प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, और वो रीज़न है मोलेसिस। मोस्टली जो बजट फ्रेंडली इंडियन विस्कीज होती हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में मोलेसेस यूज़ होता है, और उसकी वजह से मैं जो है ये विस्कीज पीना प्रेफर नहीं करता हूँ। इसलिए पड़ी रहेंगी, वेस्ट होंगी, दैट्स द ओनली रीज़न छोटी सी बॉटल लाया हूँ। सो प्लीज़ डोंट माइंड, आप बिल्कुल अगर ये विस्की पीते हैं तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल पीजिए, जो आपको पसंद करे, आपको दिल को पसंद करे वो पीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मूविंग अहेड विद रॉयल स्टैग, इस विस्की को प्रोड्यूस करते हैं पर्नो रिकॉर्ड, जो काफ़ी सारे एल्कोहल बेवरेजेस जो हैं वो बनाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट रॉयल स्टैग प्राइस, 750 ml की बॉटल आपको मिलती है 720 rupees में मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके एल्कोहल स्ट्रेंथ है 42.8। ऑलराइट, सो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस विस्की को पोर करते हैं, नोजिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखते हैं कितनी अच्छी है ये विस्की। ऑलराइट, चलो आई पोर। लेट्स स्टार्ट विथ अपीयरेंस फर्स्ट, इसका कलर जो है मेटालिक कलर है, गोल्डन शेड में आई वुड से, एंड यस ऑफ कोर्स इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग यूज हुई है। नॉट ओनली आर्टिफिशियल कलरिंग, इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी एडेड होते हैं इसको बनाने के लिए, मतलब विस्की का जो टेस्ट है वो देने के लिए, सिंस इट्स बजट फ्रेंडली विस्की इसलिए इसके अंदर यूज होता है फ्लेवरिंग एज वेल एज कलरिंग। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद नोजिंग। मोलेसेस की मिठास काफी इजीली आई एम गेटिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एल्कोहल का बर्न आई कैन फील, 42.8 का एल्कोहल बर्न है, और आई वुड से यू नो इसके अंदर कोई ज़्यादा, आई एम नॉट गेटिंग एनी अदर फ्लेवर, लाइक इस विस्की के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो जो एल्कोहल का बर्न है वो काफ़ी प्रोमिनेंटली फील हो रहा है ऑन द नोज। Yeah, this is what I'm getting on the nose. So we'll taste now. Cheers. I would say हाश है ये विस्की काफी, आई थिंक वुड का फ्लेवर आ रहा है थोड़ा सा मुझे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो एल्कोहल का पंच है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस विस्की के अंदर, यू नो जब आपके पैलेट को क्लियर करके निकल रही है, काफी सॉलिड पंच दे रही है गले के अंदर। आई टेक अनदर स्मॉल सिप एंड सी अगर और कुछ मिलता है। थोड़े से मेटालिक से फ्लेवर है, आई थिंक आई एम गेटिंग थोड़ा सा मेटल वाला जो टेस्ट होता है वो आ रहा है मुझे इसके अंदर। या आई वुड से काफी हार्श है विस्की, आई एम नॉट सेइंग कि ये
बुरी विस्की है, ये एक अच्छी विस्की है, बट यू नो आई थिंक इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं और आप से जो इसका अल्कोहल बर्न है उसको थोड़े अच्छे से एडजस्ट किया जा सकता था, आई थिंक उसको और थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सकता था. सो दिस इज व्हाट आई वुड से, इट्स बिट हार्श इन माय ओपिनियन. एंड अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस विद यू नो स्कॉच और इंडियन प्रीमियम विस्कीज, उनके साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं इसी प्राइस रेंज की विस्की को यू नो दिमाग में रख के, ये जो आपको अपना ओपिनियन पास ऑन कर रहा हूँ, इसी प्राइस रेंज की विस्कीज को अपने दिमाग में रख के कर रहा हूँ. सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब योर ओन चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, प्रेस द घंटा, तो आपको पता चल जाएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूंगा. ऑलराइट, सो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन, चीयर्स.